नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी, आपके साथ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर स्वागत है आप सभी का। और यह है अढ़ाई का अड्डा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर राजनीति तेज हो गई है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर सवाल खड़े करते हुए इसे राहुल गांधी की लॉन्चिंग से जोड़ दिया। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि जब से राहुल गांधी राजनीति में आए हैं तब से उनकी लॉन्चिंग ही हो रही है। उन्होंने कांग्रेस से पूछा कि राहुल की लॉन्चिंग अभी और कितनी बार की जाएगी। अब कितनी बार लॉन्चिंग करेंगे राहुल जी की? मैं देख रहा हूँ 20 साल से जब से वो राजनीति में आए जब से लॉन्चिंग होती है, फिर कभी प्रियंका जी की लॉन्चिंग करते हैं, लॉन्चिंग करने के बाद फिल्म पूरी तरह फ्लॉप हो जाती है। और वहीं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कैलाश विजयवर्गीय के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने राहुल गांधी की यात्रा को लॉन्चिंग करार दिया। उन्होंने कहा कि जब कैलाश विजयवर्गीय और उनकी पार्टी नहीं थे उस समय गांधी परिवार लॉन्च हो चुका था। विजयवर्गीय जी इनकी पार्टी, इनके पता नहीं था, इनका अता पता तब लॉन्च हो गए थे राहुल गांधी, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू अंग्रेजों से लड़ते हुए महात्मा गांधी के नेतृत्व में जेल में रहे 9-10 साल, तब से ये लॉन्च रहे हैं इनका परिवार। उसके बाद इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये पहले से लॉन्च रहे। तो राजनीति हो रही है लॉन्चिंग रीलॉन्चिंग और यात्रा को लेकर, न्याय यात्रा राहुल गांधी निकाल रहे हैं जबकि इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता और मध्य प्रदेश कैबिनेट के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार फिर निशाना साधा राहुल गांधी की न्याय यात्रा को, एक और लॉन्चिंग बताया। न्याय यात्रा पहले निकाली गई थी, भारत जोड़ो यात्रा, और अब न्याय यात्रा निकाली जा रही है क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम आए उससे जाहिर हो गया कि ये यात्रा उस तरीके से सफल नहीं हो पाई जितनी उम्मीद थी। तो इसलिए अब नाम बदलकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली जा रही है। इसके बाद कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर पलटवार करते हुए पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि लॉन्चिंग गांधी परिवार की तभी हो गई थी जब भारतीय जनता पार्टी ने जन्म भी नहीं लिया था। ऐसे में राजनीति में वार और पलटवार का सिलसिला जारी है। राजनीति में जो कि चुनाव के आसपास अपने आप जोर पकड़ती है और ऐसा ही इस बार भी देखने को मिल रहा है, चूंकि विधानसभा चुनाव खत्म हुए और लोकसभा चुनाव की रणभेरी एक तरह से बच चुकी है। तो इस बीच जो राजनीति का हाईएस्ट पॉइंट है वो ये कि राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर वार पलटवार का सिलसिला जारी है। मिथिलेश गुप्ता हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिथिलेश, जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय ने बयान दिया, भारत जोड़ो न्याय यात्रा को उन्होंने लॉन्चिंग तक कह डाला, कांग्रेस ने इस पर पलटवार भी किया है। देखिए, कांग्रेस ने इस पर पलटवार किया है और कांग्रेस के जो नेता है वो कह रहे हैं कि ये जो बयान है ये भारतीय जनता पार्टी के अहंकार है, अहंकार वाला बयान है, इस प्रकार के बयान भारतीय जनता पार्टी को शोभा नहीं देता है। कैलाश विजयवर्गीय ने खुल कर कहा है कि 20 सालों से, बोले मैं लगभग 20 सालों से देख रहा हूं कि जब से राहुल गांधी राजनीति में आए तब से बार बार उन्हें लॉन्चिंग किया जा रहा है, एक बार फिर से उन्हें रीलॉन्च किया जा रहा है न्याय यात्रा से। बोले भारत जोड़ो यात्रा जहां जहां से निकली वहां पे करारी हार हुई, न्याय यात्रा अब निकलने वाली है क्योंकि चुनाव नजदीक है, तो जब भी चुनाव होगा उस वक्त कांग्रेस कोई ना कोई यात्रा निकालेगी और राहुल गांधी को उसमें रीलॉन्च किया जाएगा। तो रीलॉन्चिंग के अलावा कुछ भी नहीं है, लेकिन जनता समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में क्या अंतर है। उन्होंने अभी कुछ देर पहले ही इंदौर में लगातार वो बयान दे रहे हैं और अभी कुछ देर पहले ही इंदौर के एक कार्यक्रम में उन्होंने बयान दिया है कि मिलिंद देवड़ा शिवसेना में शामिल हुए और जैसे ही शिवसेना में शामिल हुए उन्होंने कांग्रेस पर, कांग्रेस किस तरीके से कार्य करती है, कांग्रेस के अंदर अंदरूनी कलह मची हुई है, इस पर लेकर उन्होंने पलटवार भी किया। उन्होंने कहा कि मिलिंद अब शामिल हो चुके हैं और बताने लग गए हैं कि कांग्रेस कैसे काम करती है, यह हकीकत है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक राजनीति करती है। मैं आपके पास लौटता हूं मिथिलेश। रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। रजनीश जी, बहुत स्वागत है न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि ये न्याय यात्रा दरअसल एक और लॉन्चिंग है राहुल गांधी की और कुछ नहीं।
देखिए सच्चाई तो यही है, जो फ्लॉप शो राहुल गांधी जी के द्वारा लगातार हो रहा है और कांग्रेस के नेताओं में भगदड़ मची हुई है, निराशा का माहौल है, हताशा का माहौल है। कांग्रेस में जिस प्रकार से एक परिवार ने कब्जा करके और अपने निर्णय थोपने का काम जारी रखा हुआ है, इसलिए ये असफल होते हुए अपने नेता राहुल गांधी जी की पुनः रीलॉन्चिंग जिसे कहा जाए वही करने का प्रयास है, लेकिन शून्य में शून्य जोड़ो शून्य आने वाला है। तो ये कितने भी प्रयास कर ले जनता के द्वारा नकारे जाने वाले। पीसी शर्मा जी का भी इस पर बयान आया, वो तो कह रहे हैं कि जब बीजेपी का जन्म भी नहीं हुआ था तब गांधी परिवार लॉन्च हो गया था। नहीं, गांधी परिवार लॉन्च हो गया था लेकिन गांधी जी के नाम पर अपना राजनीतिक कारोबार चलाने वाले असफल हो गए हैं और जनता को भ्रम में रखने वाले लोग अब लगातार आप देख रहे हो कि देश नकार रहा है। कई प्रदेशों में चौथे पांचवें नंबर पर है कांग्रेस पार्टी और कई प्रदेशों में पता नहीं है कहीं किसी स्तर पर भी कांग्रेस का। तो आने वाले समय में भी कई राज्य और जहां जहां बची खुची कांग्रेस है उसको जनता जवाब दे देगी जिस प्रकार के काम भारतीयता को, भारतीय संस्कृति को, भारतीय वैभव को, उभरते हुए भारत को ये नकारने का, धुतकारने का प्रयास करते हैं, उसको लेकर जनता क्रुद्ध है, नाराज है और उनको जवाब भी देने वाली। जिसकी मैंने कहा शून्य में शून्य जोड़ेंगे शून्य आने वाला है। रजनीश जी, रजनीश जी, कितनी भी कर ले, भारत जोड़ो यात्रा के बाद कर्नाटक जीता था कांग्रेस ने, अब न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, लोकसभा चुनाव सामने आप उसके बाद में और क्या क्या हुआ था वो भी आप बता दीजिए तो अच्छा होगा। और अभी जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद में उनके ही नेता उनके ऊपर क्या आरोप लगाए थे कांग्रेस के, तो मुझे लगता है वो आपको रेफरेंस के लिए जरूरी हो जाएगा तो आप देखेंगे तो पता चलेगा किस प्रकार से असफल साबित हुए। वो किनको जोड़ रहे थे? जो टुकड़े टुकड़े करने का विचार रखते हैं, जो भारत को टुकड़े टुकड़े के रूप में देखना चाहते हैं, उनको जोड़ने का काम राहुल गांधी जी करते रहे। उठाकर देख लीजिए आप, भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर जिस प्रकार के लोगों को उन्होंने अपने साथ चलने चलाने का काम किया था वो लोग कौन थे, तो ध्यान में आ जाएगा। मुझे लगता है कि इस पर देश जान चुका है इसलिए इनको करारा जवाब दे रहा है। आप रहिएगा सर हमारे साथ, भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए। सर बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। भूपेंद्र जी, कैलाश विजय वर्गीय कह रहे हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी की एक और लॉन्चिंग है और कुछ नहीं। अभी तो उनके सामने दिक्कत है विजय वर्गीय जी के सामने कि उनका लड़का जो है लॉन्च हुआ था और वो गिर पड़ा है। अब उस लड़के को कैसे लॉन्च करें, अभी लॉन्च कर रहे थे उसको जो है क्रिकेट बोर्ड में, वहां भी दुकान सिमट गई। जो लोग इन लोगों की लॉन्चिंग फेल हो चुकी है वो लोग जो है इस तरह की बातें करते हैं। दूसरे हमारे जो मित्र जो अभी भाजपा वाले जो टुकड़ा 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 कर रहे थे, तो टुकड़ा टुकड़ा के साथ सरकार किसने बनाई थी कश्मीर में, जरा ये बता दें। आतंकवादियों को पैसे देने कौन गया था उसके घर पे, जो मारा गया था आतंकवादी गोली से उसके घर पे जो है कंपनसेशन देने कौन गया था, यही लोग कहते थे। और जो है आतंकवादियों को भटक छोड़ने कौन गया था, प्लेन में बिठा के, यही भाजपा के लोग गए थे, इनके मंत्री जी गए थे विदेश मंत्री जी। और जो है इससे आईएसआई से पाकिस्तान की जांच किसने कराई थी, पठानकोट एयरबेस की इन्हीं की सरकार ने कराई थी। तो जो लोग गले गले तक जो है इन्हीं के दम के जो है हमारे इन मित्र के बाजू में ध्रुव सक्सेना बैठते थे और पाकिस्तान की आईएसआई से सैलरी लेते थे तो वो कौन करते थे। तो ये जो है ये केवल रट्टू तोतों की तरह एक बात करते रहते हैं और अपने गृहवान में जानते नहीं है। ईश्वर इनको इतनी बुद्धि नहीं देता कि थोड़ी सी जो है पलट सरकार के अपने अंदर झांक लें, और जब ये करने लगेंगे तो निश्चित रूप से ये इसके लिए कल्याण। एक सवाल सर, भारत तो राम के नाम पर जोड़ रहा है, क्या भारत जोड़ो की जरूरत है अभी भी? क्यों नहीं जरूरत है, राम से राम क्या इनने पैदा किए, राम तो हजारों साल से जोड़ रहे हैं भारत को। उन्होंने जिन जनजातियों के लोगों को जोड़ा, उन्होंने जिनको जो है वन में रहने वाले लोगों को जोड़ा, उनने जिन गरीबों को जोड़ा उनको तो ये रोज दमन करते हैं। उनके साथ तो बलात्कार में सबसे आगे है भारत और मध्य प्रदेश, उसकी तो ये बात करते नहीं है, रामराज की बात क्यों नहीं करते हैं? चलिए समय की बाध्यता है, चर्चा को आगे बढ़ा नहीं सकते। बहुत शुक्रिया भूपेंद्र जी, रजनीश जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश आपका इस जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में हो रही श्रीरामलला की प्राण प्रतिष्ठा को राज्य सरकार एक उत्सव के रूप में मनाएगी, और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ड्राई डे के ऐलान के साथ ही इस दिन स्कूल कॉलेज और सरकारी कार्यालयों में छुट्टी का ऐलान सीएम करने वाले हैं। कांग्रेस नेताओं के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण को ठुकराने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने
ठुकराया या जिन लोगों को बुलाया उन्हें जाना चाहिए और जिन्हें नहीं बुलाया गया वो 22 जनवरी के बाद जाएं। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर उन्होंने कहा कि दूसरों की आलोचना कर आप किसी को झूठा साबित नहीं कर सकते, मोदी जी की आलोचना करने से यात्रा ही व्यर्थ हो जाएगी। सर, ड्राई डे तो सरकार घोषित कर चुकी है कि 22 जनवरी को ड्राई डे रहेगा, तो क्या स्कूल कॉलेजेस भी बंद रहेंगे, छुट्टी की घोषणा करेगी सरकार? अभी मुख्यमंत्री जी इसमें फैसला करेंगे और वो सारे काम जो इस दिन को ऐतिहासिक बनाने के लिए जरूरी है सब किए जाएंगे। जिन लोगों को बुलाया गया है उनको जाना चाहिए और जिन लोगों को नहीं बुलाया गया है वो 22 तारीख के बाद अपना प्लान करके और वहाँ पर जाएंगे ही, देश की जनता जाएगी। तो चाहे कांग्रेस के नेता हो चाहे सपा के हो, आलोचना करके आप किसी की उपलब्धि पर पानी तो नहीं फेर सकते। तो आप पैदल चलो और आलोचना करोगे आप, और आलोचना करोगे तो मोदी जी की उपलब्धियों पर पानी फेरने में आप सफल नहीं हो पाओगे, इसलिए आपकी यात्रा ही बिना व्यर्थ हो जाएगी। ये मांझा नहीं मौत है, ये चाइनीज डोर है और इस चाइनीज डोर ने अभी भी लोगों की जान लेने का सिलसिला जारी रखा हुआ है, क्योंकि आप और हम इसे पूरी तरह से नकार नहीं पा रहे हैं, लेकिन जिन लोगों के अपने जा रहे हैं इस चाइनीज मांझे की वजह से, उनके दर्द को क्या ये समझ पाएंगे? एक रिपोर्ट। त्योहार जिंदगी को उत्सवपूर्ण बनाते हैं, खुशियां लाते हैं। अलग अलग त्योहारों के रंग में हम रंग कर अलग अलग परंपराएं निभाते हैं। वैसे ही एक परंपरा सालों से चली आ रही है, वो है मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने की। मकर संक्रांति के मौके पर क्या बच्चे क्या बुजुर्ग हर कोई आसमां में पतंग उड़ाता नजर आता है, लेकिन कुछ के लिए ये खुशी दे रहा था तो कुछ को गम दे गया। मांझे से बंधे पतंग आसमान में लहरा रहे थे, नीचे जमीन पर वही मांझा किसी की मौत का कारण बना। इस मौत की मांझे से कितनों के घर सूने पड़ गए, कितनों की खुशियां लुट गईं। मांझा लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। धार में मांझे की चपेट में आने से 6 साल के मासूम की जान चली गई। बच्चा पिता के साथ बाइक पर जा रहा था, इसी दौरान वो मांझे की चपेट में आ गया, गले में मांझा फंसा, वो घायल हुआ और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उज्जैन में भी पतंग उड़ाने के दौरान एक बच्चे की करंट लगने से मौत हुई। एक ऐसी मौत की खबर गुजरात से भी आई, जहां रविवार को उत्तरायण के अवसर पर 4 का तरुण माछी अपने पिता के साथ बाइक पर बैठकर कहीं जा रहा था, तभी बोराड़ी गांव के पास चाइनीज मांझे से उसकी गर्दन कट गई। इलाज हुआ लेकिन मांझा मौत का था और उस मौत के मांझे ने उसे आगोश में ले लिया। गुजरात में भी एक अन्य बच्चे की मौत हुई है। 5 साल का एक बच्चा पतंग उड़ा रहा था, तभी उसकी पतंग बिजली के खंभे में फंस गई, करंट की चपेट में आने से उसकी जान चली गई। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। वहीं देवास में चाइना डोर की चपेट में आने से युवक के हाथ की उंगली कट गई, इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती है। ये चाइनीज थ्रेड से गले में इंजरी थी, कट था और एक उंगली में, और अब धागा मजबूत रहता है चाइनीज, उसको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि पहले भी केसेस आए इस टाइप के। ये भैया अनिल मिश्रा हमारी शॉप है, वहां से बालक निकला था रामनगर शॉप जाने के लिए, बीच में चर्च के सामने चाइना डोर मतलब अपना इनके गले में अटके, उसने मतलब अपना गले की तरफ हाथ करके मतलब उसको रोका तो उसकी उंगली मतलब अपना ज्यादा डरने दे गई और गले में भी स्टिचिंग लगी। अब इसे क्या कहें, इस मांझे को किलर कहें या मौत की डोर कहें जो कईयों को मौत की नींद सुला रहा है। ये चाइनीज मांझा अब मौत की वजह बन गया है। कैसे बनता है चाइनीज मांझा और इसमें ऐसा क्या होता है जो इससे मौत हो जाती है, ये भी समझिए। चाइनीज मांझा कैसे बनाया जाता है? साधारण मांझे से चाइनीज मांझा अलग होता है।
नायलॉन और मेटलिक पाउडर का इस्तेमाल। मांझे पर कांच या लोहे के चूरे की लेप लगाई जाती है। स्ट्रेचेबल होता है चाइनीज मांझा, खींचने पर बड़ा हो जाता है। सोचिए जिस मांझे में नायलॉन का इस्तेमाल हो, वो नायलॉन जिसका इस्तेमाल पैराशूट, टेंट, रस्सी बनाने में किया जाता है और उस पर कांच या लोहे के चूरे की लेप हो, तो वो कितना खतरनाक होगा। हर साल ऐसी कई घटनाएं होती हैं, इसके बावजूद बाजार में आराम से चाइनीज मांझा मिल जाता है। अब इसका जिम्मेदार कौन है? मौत कई सवाल पूछ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। हरदा जिले के सिराली में प्राचीन तिलभांडेश्वर शिव मंदिर की महिमा अपरंपार है और करीब 200 साल पुराने शिव मंदिर के बारे में मान्यता यह है कि हर साल मकर संक्रांति पर मंदिर में विराजित शिवलिंग तिल के आकार के बराबर होता है, इसलिए इसका नाम तिलभांडेश्वर पड़ा। मकर संक्रांति पर यहां भक्तों का सैलाब उमड़ता है और मान्यता है कि यहां आने वाले की हर मनोकामना पूरी की जाती है। अभी अपन यहाँ जो खड़े हैं, ये तिलभांडेश्वर भगवान का मंदिर है और ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति पे हर साल ये भगवान एक एक तिल बढ़ते हैं। पुरानी कई वर्षों से जो हमारे पुराने बुजुर्ग वो बताते हैं कि भगवान को जो पोशाक पहनाते थे वो छोटी पड़ जाती थी हर साल। मैं यहाँ पर श्रृंगार के प्रतिदिन दर्शन भेजता हूँ लगभग 4 वर्षों से, जो लगभग 20,000 लोगों को जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि पहले नर्मदा जी को नहाने गए थे ब्राह्मण समाज के, उनको भोलेनाथ मिले थे, ये रास्ते में गिर गए थे, फिर उन्होंने सपना दिया, फिर ये लेके आए थे, प्रतिदिन एक तिल बढ़ रहे थे, फिर बाद में इन्होंने मन्नतें मानी और साल में एक बार अब एक तिल बढ़ने का उनसे निवेदन किया, तो साल में मकर संक्रांति के समय एक तिल बढ़ते हैं ये, ऐसा कहा जाता है। और हम भी अभी देखते आ रहे हैं कि पोशाकें जो बनवाई जाती है वो कुछ समय में छोटी हो जाती है। करीब 200 साल पुराना मंदिर है और ये मंदिर की स्थापना श्री नर्मदा जी से एक छोटा सा कंकर के रूप में लाए थे जेब में रखे, ये मूर्ति भगवान की भोलेनाथ की, तो वो हर साल तिलभर बढ़ती है मूर्ति। और इसकी विशेषता है कि ये सब भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। हर साल मकर संक्रांति में यहाँ पर एक तिल बढ़ जाते हैं भोले बाबा, उनका महत्व है काफ़ी ज़्यादा। दर्शन के लिए आए हैं, श्रद्धा है आपकी? हाँ, काफ़ी श्रद्धा है। तभी पूर्वज लोग बताते हैं कि वो छोटी सी पिंडी वहाँ स्थापित की थी गोटी के बराबर, वो बढ़ते बढ़ते अब काफ़ी बड़ी हो गई है, इसीलिए उसका नाम तिलभांडेश्वर पर रखा। हर साल वो एक तिल बढ़ती रहती है। और इसकी कहानी है कि एक दादा हमारे परिवार से ही बिल्लोरे परिवार से गए थे नहाने के लिए, नर्मदा जी पैदल जाते थे वो, तो उनको एक वहाँ पे एक मूर्ति जैसी पिंडी मिल गई, वो पिंडी को रख के ले आए वो जेब में, तो वहाँ एक चीन का ऐसा छप्पर बना के उन्होंने वहाँ स्थापित कर दी और मूर्ति की पूजा करने लगे, तो धीरे धीरे ऐसा कहते हैं कि बढ़ती जा रही वो। अभी हम खड़े हैं हरदा जिले की सिराली तहसील के प्राचीन तिल भंडारेश्वर शिव मंदिर में। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ पर जो शिवलिंग है वो हर मकर संक्रांति के दिन तिल बराबर बढ़ जाता है। लगभग 300 से ज़्यादा वर्ष पुराने इस मंदिर के बारे में जो मान्यता ये है कि भगवान शंकर की जो शिवलिंग है वो यहाँ पर नदी के अंदर मिली थी और उसके बाद जब इसका आकार बहुत छोटा था और भगवान शंकर के वरदान के कारण ये जो पिंडी है ये लगातार बढ़ती जा रही है और आज इस आकार पर ये पहुँच चुकी है। यहाँ पर आने वाले जो भक्त हैं उनका ये कहना है कि यहाँ पर हर प्रकार का मनोकामनाएं जो है भगवान तिल भंडारेश्वर पूरी करते हैं, यही कारण है कि यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी करवाते हैं। प्रवीण सिंह तोमर, न्यूज 18, हरदा। और अब क्राइम टॉप 20। बेटे का हत्यारा पिता गिरफ्तार, 12 दिन